नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं उनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। क्या क्या परिवर्तन है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए आदेश आ चुके हैं, उनका समय सारणी में परिवर्तन किया गया है, ग्रीष्म अवकाश में परिवर्तन किया गया है और इसके साथ साथ विद्यालय की पंजिकाओं में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या मुख्य परिवर्तन हैं। पहला जो मुख्य परिवर्तन है वो है हमारा विद्यालय का समय। अब विद्यालय का समय 1 घंटा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। पहले ये 1 बजे तक होता था और मध्यावकाश या मिड डे मील का समय जो आपका 10:15 से 10:45 तक रहेगा। दूसरा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। ये सेम ही समय है जो पहले होता था और मध्यावकाश मिड डे मील जो है समय आपका 11:55 से 12:25 तक रहेगा। साथियों, मिशन प्रेरणा को लागू करने के लिए एक घंटा समय ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि हम लोगों के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा है, उसमें परेशानी होगी बच्चों को भी और शिक्षकों को भी, लेकिन सरकारी आदेश है इसलिए मानना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षक विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे। इसमें यह भी आदेश दिया है कि शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले आपको विद्यालय पहुंचना होगा और न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे, यानी आधा घंटा और रहेंगे। कहने का मतलब यह है 1.5 घंटा शिक्षकों के लिए बढ़ा दिया गया है। परिवर्तन शिक्षकों के हित में नहीं है, लेकिन क्या करें, सरकारी आदेश है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा। तो चलिए दूसरे परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन आपका हुआ है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में। जो शीतकालीन अवकाश है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा, यानी कि 15 दिन का आपका शीतकालीन अवकाश रहेगा और ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा। यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिन का अवकाश घटा दिया गया है और वो अवकाश आपको शीतकालीन अवकाश में दे दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी 15 दिन की छुट्टी खत्म कर दी गई है। नए सत्र का आरंभ 16 जून से शुरू कर दिया गया है। हालांकि 16 जून से प्रारंभ नहीं होगा, बच्चे किसी भी कंडीशन में विद्यालय नहीं आएंगे, लेकिन नियम है, फॉलो करने होंगे। नोट, अवकाश तालिका से भिन्न कोई भी लोकल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं होगा। यानी कि जो आपके BSc 1-2 छुट्टी कर देते थे वो भी छुट्टी खत्म भी कर दी गई है, केवल आपके जिलाधिकारी ही अवकाश घोषित कर सकते हैं। ये आपका दूसरा परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन समय सारणी का भी है। समय सारणी में प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा और साल में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे, यानी कि कम से कम 240 दिन विद्यालय खुलेगा और प्रत्येक कालांश आपका 40 मिनट का होगा। ये हमारा तीसरा परिवर्तन है। नेक्स्ट आते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख जो थे हमारे विद्यालय में 40 मध्य अभिलेख होते थे, अब उन 40 को कम कर 14 कर दिए गए हैं। ये भी ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि 40 को कम कर 14 कर दिए गए हैं, तो बाकी जो अभिलेख है वे कहाँ जाएंगे? बाकी अभिलेख ऑनलाइन होंगे, उनमें से कुछ ऑनलाइन हो जाएंगे, तो उसमें भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। 14 अभिलेख कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपस्थिति पंजिका, सी प्रवेश पंजिका, डी कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, ई MDM पंजिका, एफ समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, जी स्टॉक पंजिका, एच आय व्यय पंजिका, आई चेक इश्यू पंजिका बजटवार, जे बैठक पंजिका, के निरीक्षण पंजिका, एल पत्र व्यवहार पंजिका, एम बालगणना पंजिका और एन पुस्तकालय खेलकूद पंजिका। वैसे तो यही पंजिका ज़्यादातर यूज़ होती थी, लेकिन बाकी जो पंजिका थी उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है। अब केवल 14 पंजिकाएं आपके विद्यालय में रहेंगी। उसके बाद कुछ ध्यान देने वाली मुख्य बातें, क्या क्यों टाइम चेंज किया है इसके बारे में बताया गया है। पहला जो
है पॉइंट इसमें है, विद्यालय प्रत्येक 2 सप्ताह में यानी जो 2 सप्ताह होंगे उनमें इंटरनल टेस्ट लिया करेंगे, यानी CBSE की नकल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। यानी उपचारात्मक शिक्षण में ज़्यादा जोर दिया गया है, सप्ताह में 2 बार इंटरनल टेस्ट हमें लेने होंगे। बी, देखिए शिक्षक अपने अवकाश या किसी अन्य कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल पर प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि शिक्षक जो हैं अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है जो प्रधान अध्यापक हैं अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो वे सिलेंडर लेने नहीं जाएंगे। दोहरी बात है बिल्कुल, अगर मान लीजिए स्कूल में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो प्रधान अध्यापक को सिलेंडर लाना पड़ेगा, खाना नहीं बनाएगा तो प्रधान अध्यापक कार्रवाई होगी और सिलेंडर लेने जाएगा तो प्रधान अध्यापक पे कार्रवाई होगी। दूसरा, सोमवार के दिन फल वितरण होता है और फल वितरण 8 बजे के बाद ही मिलता है, क्योंकि दुकानदार 8 बजे के बाद ही आते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि विद्यालय समय में स्कूल से नहीं जा सकते। तो बताइए फल का वितरण किस तरह से होगा, एक दिन पहले फल खरीदेंगे तो वे ख़राब हो जाएंगे, यानी कि प्रधान अध्यापक की हर कंडीशन में मुसीबत आने वाली है। आपको अगर इस कोई भी अवकाश लेना है तो आपको मानव संपदा पोर्टल पर ही लेना होगा। तीसरा परिवर्तन क्या है, शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य रैली फेरी बैंक आदि के कार्य को विद्यालय समय में नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो आपको रैली करनी होती है फेरी पर करनी होती है वो विद्यालय से एक्स्ट्रा आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल शिक्षकों के विपरीत आदेश है, लेकिन क्या करें, आदेश है, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। डी, विद्यालय मरम्मत रंगाई पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा अथवा विद्यालय समय के पश्चात कराया जाएगा। यानी कि रंगाई पुताई का कार्य भी आपको अवकाश में कराना होगा और विद्यालय समय के पश्चात कराना होगा, यानी कि प्रधान अध्यापक को लगभग स्कूल में ही हर वक्त रहना पड़ेगा। सीधा सा मतलब यही है। उसके बाद ई पॉइंट है, किसी शिक्षक के निलंबन के 1 माह के भीतर मामला निस्तारित होगा। मान लीजिए किसी शिक्षक का निलंबन हो जाता है तो 1 माह के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा अथवा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। एफ, किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को न तो संबद्ध किया जाएगा और न ही किसी कार्य के लिए अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जा सकेगा। आदेश है, कोई पालन करे ना करे, लेकिन आदेश निकल चुका है। जी, शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे अथवा विद्यालय समय के पश्चात किए जाएंगे। यानी प्रशिक्षण आपके ज़्यादातर ऑनलाइन होंगे, विद्यालय समय के बाद होंगे तो हमारे लिए मुसीबत है, इससे तो ऑनलाइन हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। एच, माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंड में प्रधान अध्यापकों की 2 घंटे की मीटिंग आयोजित की जाएगी। यानी कि प्रत्येक BO को महीने में 1 बार चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंड के प्रधान अध्यापकों की मीटिंग करनी होगी। यानी प्रधान अध्यापकों की यहाँ भी मुसीबत है कि पहले वे विद्यालय में रहेंगे उसके बाद मीटिंग अटेंड करेंगे। तो साथियों, ये लेटेस्ट परिवर्तन थे जो आपके हुए, जो मैंने आपको बता दिया। शायद आपको ये परिवर्तन पसंद ना आए हों, उसके लिए सॉरी, लेकिन इन्फॉर्मेशन है, मुझे आपको देनी है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों, मैं इसी तरह की बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं और इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।